हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशि प्रकाश कुमार आपको अपने चैनल माइनिंग मिर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंकर टेस्टिंग मशीन के बारे में। सबसे पहले ये बात कि हम लोग एंकर टेस्टिंग करते कहाँ हैं और क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, एंकर टेस्टिंग हम फेस में आगे बढ़ते समय जो हमारी पीछे गैलरी होती है, उस गैलरी में जो रूफ बोल्ट सपोर्ट लगाया जाता है, उसको चेक करने के लिए करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कितना लोड ले पा रहा है या नहीं। अगर लोड ले रहा है तो वहाँ पे हम एक टैग लगाएंगे, उस टैग में उस दिन की तारीख और कितना टन लोड वो लिया वो लिख के टैग को लगाएंगे। और अगर नहीं लिया, फेल हो गया, तो हम लोग उच्च अधिकारी को बोल के उसका वहाँ पे उपचार करवाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी माइकॉन। तो ये माइकॉन कंपनी के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताएंगे हम। तो इसका नाम है माइकॉन। इसके बाद हम जानेंगे केबल की लंबाई, केबल लेंथ के बारे में। तो इसकी लेंथ 5 मीटर। उसके बाद उसमें एक जैक पंप होता है, जिसको हम अपने हाथ से, जैसा कि आप पीछे फ़ोटो में देख सकते हैं। अब जानेंगे इसके ऑयल के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल 60 डालते हैं और इसकी कैपेसिटी है 1.25 लीटर। उसके बाद टोटल टनेज कैपेसिटी 25 टन हाईएस्ट, मींस 25 टन ये हाईएस्ट लोड ले सकता है, इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद हम देखेंगे इसके प्रेशर के बारे में। फुल प्रेशर 650 kgf, 650 इसकी कैपेसिटी है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे इसकी टाइमिंग के बारे में कि वो कितने टाइम में कितना टन लोड ले सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 टन लोड, 3 टन लोड आफ्टर हाफ आवर्स, आधे घंटे में। 5 टन लोड आफ्टर 2 आवर्स एंड 8 टन लोड आफ्टर 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे होने पर 8 टन लोड ये ले सकता है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे। थैंक यू।